बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा क्लास टेंथ का जो है वो लेक्चर नंबर 31 है और आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर जो है वो 6 का आज हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इसको कंपोनेंट ऑफ एविडेंट थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। यहाँ पर देते हैं यूजिंग कंपोनेंट ऑफ एंड एविडेंट ऑफ थ्योरम, यूजिंग कंपोनेंट ऑफ
नाइन वाला पार्ट देखिए ना जी लास्ट, x plus 5 minus x minus 3, क्वेश्चन नंबर 2 का नाइन पार्ट है, x plus 5 होल क्यूब माइनस x minus 3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय x plus 5 होल क्यूब प्लस x minus 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 13 ओवर 14 x plus 5, x minus 3, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है। लौटा कि यूजिंग कंपोनेंट में डिविडेंड होता है ना मैं राइट, x plus 5 होल क्यूब माइनस x minus 3 होल क्यूब, ये प्लस कंपोनेंट होगा, नीचे वाली वैल्यू x plus 5 होल क्यूब प्लस x minus 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x plus 5 का होल क्यूब माइनस x minus 3 का होल क्यूब माइनस डिविडेंड होगा x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब, इधर आ जाएगा 13 प्लस 14 ओवर 13 माइनस 14, विजय में रखें ऊपर वाली वैल्यू पहले है कि नीचे वाली बाद में है। अच्छा यहाँ माइनस के बाद ब्रैकेट में लगा दी, पहले स्टेप के अंदर ही माइनस को ओपन नहीं कर दिया, x प्लस 5 होल क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब प्लस x प्लस 5 होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस x माइनस 3 का होल क्यूब 27 ओवर माइनस 1 माइनस प्लस प्लस माइनस, ऊपर ही आ जाएगा 2 इंटू x प्लस 5 का होल क्यूब और नीचे आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27, टू टू से कट जाएगा, इन दोनों को क्यूब को माइनस कर दें, माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27, माइनस 27 ये कट गया, सो x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 का होल क्यूब 27, इसका क्यूब होता है 3 का क्यूब रूट दे रहे हैं, ये पावर इक्वल है तो बेस की क्या हो जाएगी इक्वल x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, समझ गए पावर दोनों तरफ से कट गई, ये डिवाइड हो रहा होता था कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 इंटू x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 x माइनस 9 प्लस 3 x का क्या हो जाएगा माइनस 9 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 9 5 प्लस 9 और प्लस x को जाके माइनस x 14 इक्वल्स टू 2 x को मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। ठीक है तो बेटा क्यूब रूट के साथ क्वेश्चन, पहले वाला जो हम लोगों ने किया वो स्क्वायर रूट के साथ था और ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा किसके साथ था क्यूब रूट के साथ था। ओके बेटा जी तो ये दो पार्ट आज हम लोगों ने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 6 और पार्ट नंबर 9, ये तो बेटा हमारा आज का लेक्चर, इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी थैंक यू वेरी मच।